दोस्तों वोडाफोन आइडिया वी आई सिम कार्ड को 5G कैसे करें। इस वोडाफोन आइडिया 4G सिम कार्ड को आप 5G बना सकते हैं और वी आई 5G एक्टिवेट कैसे करें, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो को जरा से भी स्किप मत करिएगा। आपके फ़ोन में यदि भी वोडाफोन आइडिया का सिम कार्ड लगा है तो आपको कुछ सेटिंग करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपका नेटवर्क यहाँ पे जो 4G पकड़ रहा है वो 5G पकड़ने लगेगा। बिल्कुल जी हाँ, जो नेटवर्क आपका 4G है वो 5G चलने लगेगा। उसके लिए नंबर वन सेटिंग आपको करना, अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है। जाने के बाद वोडाफोन आइडिया सिम कार्ड में जाने के लिए आपको नेटवर्क एंड ऑप्शंस मिलेगा, इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद आपको सेटिंग क्या करनी है ध्यान से देखिएगा, तब आप अनलिमिटेड 5G चला सकते हैं वोडाफोन आइडिया वीआई का सिम कार्ड। मोबाइल नेटवर्क पे जाना है। अब जिस भी सिम कार्ड आपका लगा है, सिम 1 या सिम 2, उस पर क्लिक कर देना है। मेरे ऊपर सिम 1 मेरा लगा, नीचे सिम 2 में वोडाफोन आइडिया है, उस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से इंटरफेस आएगा जो कि आपके सामने है। अब आपको सबसे पहले सेटिंग यह करना है कि आपको आना है एक्सेस पॉइंट नेम में। ये एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आइडिया इंटरनेट लिखा है। जी हाँ बिल्कुल, आइडिया इंटरनेट लिखा है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है आइडिया इंटरनेट की जगह VI 5G। क्या लिखना है? VI 5G। बिल्कुल जी हाँ, VI 5G लिखकर ओके कर देना। ओके करने के बाद बस आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर यहाँ से सेव कर देना है। अब ये आपका APN सेटिंग सेव हो गया VI 5G के नाम से। अब आपको दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग बहुत ही अनिवार्य है जो कि करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको इसी में करना है जो कि प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप है। यहाँ पे देख सकते हैं यदि आपका 4G 3G 2G पे क्लिक है तो आपको ऊपर 5G 4G 3G 2G पे क्लिक कर देना है। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इतना करने के बाद आपको वोल्टी यहाँ पे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद बस आपको इतना काम करना है। अब आपको क्या करना है, एक बार अपने मोबाइल फ़ोन को देख लेना है कि 5G पकड़ा या नहीं पकड़ा। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट सेटिंग आती है आपका प्ले स्टोर। बिल्कुल प्ले स्टोर से आपका VI का ऐप को लोड करना है। प्ले स्टोर में दोस्तों जब आप सर्च करेंगे यहाँ से प्ले स्टोर में सर्च करेंगे VI ऐप, जिस प्रकार से माई जियो ऐप होता है उस तरह से VI ऐप भी होता है। VI ऐप सर्च करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ से एक्टिवेट करने के लिए 5G। तो वोडाफोन आइडिया VI सिम इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको ओपन करना है। जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे तो आपका नंबर डालना पड़ेगा वोडाफोन आइडिया का और एक्टिवेट कर इसे ओपन करना होगा। ओपन होने के बाद यहाँ से दोस्तों VI 5G को आप एक्टिवेट कर सकते हैं आसानी से। वोडाफोन आइडिया 5G आपका जो है आसानी से एक्टिवेट हो जाएगा, यहीं से आपको किया जाता है। और इसमें आपको ध्यान देना है कि 239 रुपये या उसके ऊपर का रिचार्ज होना चाहिए, तभी आप में सपोर्ट करेगा। बस इतना काम करना है और वोडाफोन आइडिया का 5G आप आसानी से यूज कर सकते हैं। यदि आपके एरिए में है और 5G फ़ोन आपके पास है तब।